नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे बक्सर विधानसभा क्षेत्र की। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रदेश में दूसरे चरण के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे बक्सर विधानसभा क्षेत्र की। आपको बता दें कि वर्तमान की राजनीति में गुप्तेश्वर पांडे की एंट्री होने के बाद यह सीट काफी चर्चा में आ गई थी। आपको बता दें कि इस बक्सर विधानसभा चुनाव में वर्तमान में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। भाजपा की तरफ से परशुराम चतुर्वेदी उम्मीदवार है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी चुनावी मैदान में है। बक्सर विधानसभा बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस विधानसभा के वर्तमान में राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस विधानसभा राजनीतिक इतिहास के बारे में एक नजर डाल ले। वहीं भाजपा के टिकट से प्रदीप दुबे को 56,346 वोट हासिल हुए थे। आंकड़ों के अंतर को देखा जाए तो 10,181 वोट का अंतर रहा था। अब हम साल 2010 के चुनावी साल को देखें तो इस साल भाजपा का कब्जा रहा था। भाजपा के टिकट से प्रोफेसर सुखदा पांडे विधायक चुनी गई थी। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली थी। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजद से श्यामलाल कुशवाहा रहे थे। उन्हें इस चुनाव में 27,879 वोट हासिल हुए थे और कुल 20,183 वोट से उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी थी। वहीं 48,062 वोट हासिल करके प्रोफेसर सुखदा पांडे विधायक चुनी गई थी। अब हम साल 2005 के चुनाव परिणाम को देखें तो इस साल फरवरी और अक्टूबर महीने में चुनाव हुए थे। फरवरी में भाजपा से सुखदा पांडे विधायक हुई थी और वहीं अक्टूबर महीने में बीएसपी से हरि नारायण सिंह विधायक चुने गए थे। साल 2000 में हुए चुनाव में भाजपा का परचम लहराया था। भाजपा के टिकट से प्रोफेसर सुखदा पांडे विधायक चुनी गई थी। साल 1995 और 1990 के चुनाव को देखा जाए तो इस दोनों साल में सीपीएम पार्टी का कब्जा रहा था। सीपीएम पार्टी के टिकट से मंजू प्रकाश विधायक हुए थे। क्षेत्र के विकास कार्यों को देखा जाए तो स्टेडियम छात्रावास से जुड़े कार्य करवाए गए, पंप हाउस का निर्माण करवाया गया, बक्सर रेलवे स्टेशन पर रुका विकास कार्य को पूरा किया गया, पेयजल और बिजली भी घरों तक पहुंचाई गई जिससे लोगों को काफी राहत मिली, नाले की स्थिति में सुधार किया गया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जा रही है जिसकी पूरी लागत 164 करोड़ रुपए है, बक्सर में भूगर्भ नालों का जाल बिछाया गया। चुनावी मुद्दों की बात करें तो स्थानीय लोगों की मांग रही है कि ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया जाए, उनका सौंदर्यकरण और सुरक्षा की जाए, पर्यटन स्थल का विकास करवाया जाए। बक्सर विधानसभा सीट पर भाजपा का लंबे समय तक बोलबाला रहा है। इस सीट के विधायक रही सुखदा पांडे बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री रही हैं। वर्तमान राजनीति की बात करें तो यहां एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा के बीच में भिड़ंत देखने को मिलेगी। इस बार कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रत्याशी संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को मैदान में उतारा है। वहीं वो वर्तमान में यहां से विधायक हैं, तो वहीं भाजपा ने परशुराम चतुर्वेदी को टिकट दिया है। मुन्ना तिवारी वर्तमान में बक्सर सीट से विधायक हैं। उन्होंने पिछली बार भाजपा के प्रदीप दुबे को हराया था। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी महागठबंधन के साथ ही इस बार जदयू एनडीए के साथ है। वर्तमान राजनीति में बक्सर सीट बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के कारण चर्चा में थी। उस समय बताया जा रहा था कि गुप्तेश्वर पांडे बक्सर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने अपनी नौकरी खत्म होने के 5 महीने पहले ही वीआरएस ले लिया था। उसके बाद उन्होंने जदयू ज्वाइन कर लिया। कहा जा रहा था कि बक्सर सीट से चुनावी मैदान में वो उतर सकते हैं, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे में यह सीट भाजपा के खाते में चली गई। भाजपा ने इस सीट पर परशुराम चतुर्वेदी को टिकट दे दिया। अब यह देखना दिलचस्प है कि बक्सर की जनता इस बार किसे अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताती है। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।